हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये एक भर्ती आई थी आपकी, जनरल ड्यूटी फॉर वुमेन, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका देख सकते हैं आप केस का। ये जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपको 6 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ओनली फीमेल के लिए भाई। ये आपके देखिए अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग के लिए कैंडिडेट्स के अलाउड हैं कि इसमें आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी वूमेन है, जैसे आपका आर्मी जीडी होता है, ये वूमेन एक जीडी है, जनरल ड्यूटी है। इसमें एज होनी चाहिए आपकी 17.5 से 21। ठीक है, मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर, प्रोपरेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम जो 45% हैं वो होने चाहिए और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए आपके। ठीक है, C2 ग्रेड है। और इसमें ऑल गोरखा, जो नेपालीज हैं, जो गोरखा नेपाली हैं, उनके लिए सिंपल 10th पास मांगी गई है इसके अंदर। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिल्कुल डिटेल नोटिफिकेशन दे रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल डिटेल में कि कैंडिडेट्स जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, कट ऑफ लिस्ट जनरेट की जाएगी और उसी के बेस पर एडमिट कार्ड आपके इशू किए जाएंगे। ठीक है, टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट, कुछ एक मतलब ज़्यादा से कम नंबर कैंडिडेट के जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, दोबारा से फिर इसके क्या किया जाएगा कि फर्स्ट जो एक बार लिस्ट बन गई उसके बाद फिर से दोबारा अगर जिनके सेम मार्क्स हैं तो उसमें जिसकी ज़्यादा एज है वो प्रेफर किया जाएगा आपके लिए। साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप इसमें, देन कैंडिडेट्स ऑफ हायर एज विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी। और आगे इसमें देखिए और क्या बताया गया, फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए आपकी, क्या 1.6 किलोमीटर रन होना चाहिए आपका। ठीक है, अप टू 7 मिनट्स 30 सेकेंड ग्रुप 1, अप टू 8 मिनट्स ग्रुप 2 में। ठीक है, तो ये बिटवीन 5,000 फुट एंड 9,000 फुट के एट 30 सेकेंड्स ऑफ ऑल टाइम्स, ये कुछ दिए गए हैं आपके। ठीक है, लॉन्ग जंप भी होनी चाहिए, हाई जंप भी होनी चाहिए आपकी 3 फिट की। ठीक है, आगे देखते हैं कैटेगरी, जो डॉटर ऑफ सर्विस मैन है, जिनके फादर ऑफ की सर्विस मैन है एक्स सर्विस मैन है, या फिर डॉटर ऑफ वार विडो, जो वार विडो है, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विस मैन है जो मिलिट्री वगैरह में है, उनके लिए हाइट में और वेट में 2-2 किलो की, ये देखिए से देख सकते हैं आप, 2-2 नंबर की आपकी छूट दी गई है। ठीक है, विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस में, जो युद्ध के दौरान या वार के दौरान मारे गए उनका भी छूट दी गई है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, कैटेगरी बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, गोरखा, गढ़ीवाल में भी, उनको भी 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है हाइट में, देखिए देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट कंसीडर डिटरमाइन एप्लीकेशन ऑफ हाइट रिलैक्सेशन, जो आपका डोमिसाइल होगा वो डिसाइड करेगा आप कहाँ से हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या, फिटनेस होनी चाहिए सबसे पहले, आप फिट होने चाहिए, जो उनके आर्मी के जो स्टैंडर्ड है उनके मेडिकल स्टैंडर्ड है उन्हीं पर खरा उतरना होगा आपको। जेंडर में आपको अगर आप अनफिट हैं, करेक्टरिस्टिक्स एडवांस एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी भी दिया गया है इसमें, यानी फीमेल कैंडिडेट्स अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंट है वो डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग, कोई भी लेडी जो आपकी महिला है ये रिपोर्टिंग टाइम से लेके जब तक ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाती वो प्रेग्नेंट को कंसीव नहीं कर सकती हैं इसमें। और जब भी आप आओगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एक MBBS डॉक्टर से बना के लाना पड़ेगा कि नो प्रेग्नेंट स्टेटस होना चाहिए उसके अंदर। और एक जब लास्ट में भी जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे भी एक फ्रेश सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए, देखो लिख रखा है फ्रेश सर्टिफिकेट अगेन व्हेन रिपोर्टिंग टू द ट्रेनिंग सेंटर फॉलोइंग विच द इंडिविजुअल विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है तो रिजेक्ट किया जाएगा उसी टाइम पे ही। ठीक है, अब आपके आगे देखिए कहता है कि 180 मोर डेज मोर लैप्स बिटवीन स्क्रीनिंग मेडिकल टेस्ट रैली डिस्पैच मेडिकल विल बी डन अगेन, अनफिट कैंडिडेट्स इन द रिव्यू विल नॉट बी रिक्रूटेड, जो एक बार इनफिट हो गया उसको दोबारा से नहीं बुलाया जाएगा इसके अंदर। रिटर्न टेस्ट भी होगा इसके अंदर, रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, CEE बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड आपके लोकेशन डेट वगैरह डाल दी जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स होगी इसमें भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, देखो बोनस मार्क्स में भी हैं, बोनस मार्क्स भी दिए गए हैं, डॉटर ऑफ सर्विस मैन है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विस मैन है, डॉटर ऑफ वार विडो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, विडो ऑफ DF पर्सन हु है डाइड इन और वार वगैरह में किसी के मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको अलग से 20 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर किसी का सर्टिफिकेट NCCA है, BSc है तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और
इस तरह से आपको मैक्स दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। आगे भी इसमें मेरिट भी बनेगी, इसके ऊपर ही मेरिट बनेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, ठीक है, 3 मंथ्स ओल्ड पुराना फोटोग्राफ ओल्ड नोट एक्सेप्टेड होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव डोमिसाइल नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो, ठीक है। रिलीजन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्लास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके लिए, इसके NCC सर्टिफिकेट भी हो, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इशूड, पर्सन नंबर जो आपके रिलेशन में है उनका सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफिसर वगैरह के पास। अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, देखिए ये क्या, अनमेरिड सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपके पास एक विद इन द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। जो मेरिड कंडीशन है, जैसे वुमेन कोई विडो है, डिवोर्स्ड है, लीगली सेपरेटेड आर आल्सो एलिजिबल, जो मतलब जो विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बट कंडीशन क्या आ गई है कि दे डो नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं होना चाहिए उनके पास कोई भी, ठीक है। आगे क्या है, मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट्स मस्ट अंडरटेक, जब तक ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो शादी नहीं कर सकती हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, अंटिल दे कंप्लीट फुल ट्रेनिंग ओ CMP सेंट्रल स्कूल बेंगलुरु, ठीक है। ये था आगे, और इसमें सिंगल रैंक, आधार कार्ड वगैरह, डिसिप्लिन, एफिडेविट, ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये था अभी इसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग सेंटर, इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा जो ट्रेनिंग के दौरान आएंगे आपके, सब बताया गया इसके अंदर, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ सर्विस भी है, प्रमोशन भी है, पे स्केल अलाउंस भी है, लीव वगैरह का भी सारा 1978 जो आर्मी के रूल्स वगैरह के उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है ये, ठीक है। ये था आपका, ठीक है, ये रिलेटिव लाइबिलिटी डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए है, आर्मी जो जनरल ड्यूटी है उनके लिए है, ठीक है। ये थी आज की जानकारी, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आपको जानकारी अच्छी लगती है लगी है तो इसको लाइक भी जरूर करें और अपने शेयर भी करें, ताकि कोई अदर भी फॉर्म भर सकते हैं इसको, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।